बताइए वर्मा जी, फिर क्या सोचा आपने? अब ये सेवक क्या सोचेगा मैडम जी, जो आप हुक्म दीजिएगा हम उसे पूरा कर देंगे। और का एक बात बताइए, ये प्रगति सिलाई सेंटर को आप कब से ऑर्डर देते हैं? ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक ठाक से ऑर्डर अभी दिए हैं उनको। बस एक काम कीजिए, उनको इतना बड़ा ऑर्डर दे दीजिए कि उनको लगेगा उनकी जिंदगी बदल जाएगी। गुनिया, वर्मा जी को जरा बंगाली मिठाई खिलाओ। अरे मैडम जी, इका क्या जरूरत है, गुड्डू मिश्रा जी के साथ जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा बात है। वर्मा जी रख लीजिए, पैसा ही तो जुड़ाव का चुंबक होता है। अरे पैसा काम आएगा आपको उस औरत को एडवांस देने में। चाहिए। अरे लाली, ये हम की सुनता है, तू अपना दुश्मन को बड़ा ऑर्डर दे के माला माल करता है। हमको मालूम है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, किंतु इस बड़ा दिल में ना रोंजू को जगह मत देना। हाँ अरे मम्मी, किसी को माला माल होने का लालच देकर कंगाल करने का मजा ही कुछ और होता है। मतलब? मतलब ये मम्मी कि बड़ा ऑर्डर के लालच में वो अपनी सारी जमा पूंजी उस ऑर्डर में लगा देगी। उसे लगेगा कि उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। फिर हम उसे ऐसा झटका देंगे मम्मी कि वो सारी उमर उबर नहीं पाएगी, समझी? और सुनो मम्मी, हमारे मिश्रा जी जो सालों से लिफाफा भेजते थे ना उस दूसरी औरत को घर चलाने के लिए, उसी लिफाफे में से पैसे निकाल कर मैंने वर्मा जी को दी। ओ समझा। अब हमारा लाली अपना गहरा चाल का एक्सेंट शुरू करने वाला है। अरे मम्मी, लाली का एक्शन शुरू हो चुका है, आप बस अपना सीट बेल्ट बांध के तमाशा देखिए। इस शहर के घर में भूकंप आने वाला है और वो भूकंप हम लाएंगे। माँ, हमने आपको सोने के लिए कहा था ना, पर आप क्या ये हिसाब किताब लेकर बैठ गई हैं? वो हमको नींद नहीं आ रही थी तो हमने कहा हिसाब ही कर ले। हाँ पर आपको सोना होगा, और अगर आप नहीं सोई तो बीमार हो जाएगी। चलिए रखिए ये सब, चलिए। जिद काहे करती है तुम जानती हो ना बिटिया, दिन में हमें सोने की आदत नहीं है। माँ पर हमें ये भी पता है कि आपको रात में भी जगने की आदत नहीं है, आपने सारी रात जग कर काम किया ना, इसलिए अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। और रही बात आपकी नींद की, तो उसका इंतजाम है मेरे पास, आप रुकिए। लीजिए, अब सारा माहौल तैयार है तो आपकी चंपी करते हैं। मालिश नहीं, कुछ नहीं करोगी, तुम्हारे कॉलेज आने का समय हो गया तो आप चुपचाप बैठिए, अब पहले तेल मालिश होगी और उसके बाद ही सब कुछ। सुख सागर गागर, सुख सागर गागर। रात भर सबने मेहनत की है, पता नहीं वर्मा जी ऑर्डर देंगे कि नहीं। माँ आप कब तक यूँ सारी जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पे उठाए फिरेंगी? हम सोच रहे थे कि हम क्या सोच रही थी तुम बोलो, चुप क्यों हो? जो बोलना है बोलो, पर ये नहीं कहना कि हमारा हाथ बटाना चाहती हो। पापा हम हाथ बटाना नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हम अपने बिजनेस की एक वेबसाइट बनाएंगे, डिजिटल प्रमोशन करेंगे और फिर देखिएगा कि हमारा बिजनेस कहां से कहां पहुंचता है। तुम्हारे इस इंटरनेट विंटरनेट पे हमको कोनो भरोसा नहीं। ओ जीजा, आपको भरोसा नहीं तो क्या हुआ है? ये दुनिया है ना, ये पूरा दुनिया इंटरनेट पे चलता है, इंटरनेट पे। आपका धंधा घाटे में इसलिए चल रहा है क्योंकि आपका धंधा करने का तरीका पुराना है, कि जमाना मॉडर्न हो चुका है, हाईटेक हो चुका है। हमारी बात मान, आपकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो बिजनेस को सौंप दीजिए। वैसे भी आप बूढ़े हो चुके हैं,
रिटायरमेंट ले लीजिए, सब सही हो जाएगा। तुम्हारा तो शकल ही देख के हमको गुस्सा आ रहा है। अरे हम गुड्डू मिश्रा के यहाँ रिश्ता धंधे में फायदे के लिए कर रहे थे, सोचे थे कि उनके सहयोग से सब कुछ फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी इस काली जबान के चलते ना सब गुड़ गोबर हो गया। पापा, हमको अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हम अपने बलबूते पे सब ठीक कर देंगे। आप बस हमें हमारे तरीके से काम करने दीजिए प्लीज। हम छोटी सी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। हम सोच रहे थे क्यों ना हम जॉब कर लें। जॉब करोगी तो पढ़ाई कैसे करोगी? हाँ, वो सब मैनेज हो जाएगा। हमको ये बताओ कि इतनी जल्दी काहे है, सब ठीक चल रहा है ना? वो बात नहीं है माँ, हम जॉब करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और घर में दो पैसे भी आ जाएंगे। अपनी सालू इतनी बड़ी हो गई, ये अपना साथ देना चाहती है। माँ क्या हुआ? माँ हम सोच रहे थे कि हमने सीए का एग्जाम तो देना है ना, तो क्यों ना हम किसी अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब ट्राई कर लें। वैसे भी माँ मुजफ्फरपुर में जॉब मिलना इतना भी आसान नहीं है। चलो मान लिया तुम्हारी बात, करो धंधा करो जैसे तुम्हारी मर्जी है। अब वैसे भी सब बर्बाद हो ही रहा है तो तुम भी हाथ आजमा लो। पापा कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, आप बस भरोसा रखिए हम पर। देखो शालू, हमको ना तुम्हारा ये सीबीए कुछ समझ में नहीं आता है, पर तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर अच्छा लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जॉब के साथ पढ़ाई कर पाओगी तो ठीक है, कर लो। थैंक यू सो मच माँ हमारी बात समझने के लिए। हमें ना तुम्हारी बात पूरी पूरी समझ में नहीं आती है, पर तुम्हें पूरा पूरा समझते हैं। माँ आई लव यू। थैंक यू पापा हमारी सोच पे भरोसा करने के लिए। मांजे अब जिज्जा को समझाए के तुम्हें मालिक बना दिया है। मुबारक हो, मुबारक हो। अब इस प्यारे दुलारे गुनी मामा को तुम्हें को संभालना है, है? जय भोलेनाथ। एक बात का बुरा लग रहा है कि गुड्डू मिश्रा के बिटिया के साथ तुम्हारा ब्याह नहीं करा पाया है। चलो कोनो बात नहीं, फिकर नॉट। ये लाल मामा बड़ा बड़ा पार्टी अपने जेब लिए घूमता है, लल्लन टॉप लड़की ले। अरे मामा अभी हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, हम सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं, तो कृपया करने दीजिए। फोकस करो। जय भोलेनाथ।